हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का लेसन नंबर एक, सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सत्र 2022-23 में हिस्ट्री का जो पार्ट है, जो पहले हम पढ़ते थे, वो बदल दिया गया है। अब नया पार्ट शामिल कर दिया गया है जो सभी कक्षाओं में शामिल है, छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक। तो आज इस वीडियो में हम नई हिस्ट्री के सिलेबस में से जो लेसन है सरस्वती सिंधु सभ्यता लेसन नंबर एक, उसके तहत सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार और कालक्रम के बारे में विचार करेंगे। उसके साथ साथ इस सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना करेंगे तथा विश्व को क्या देन है इसका विवेचन भी करेंगे। तो इस लेसन में हम तीन प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहला, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार और कालक्रम के बारे में क्या विचार। दूसरा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। और तीसरा, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या देन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल, जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है, को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए नए वीडियो और नए नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं लेसन नंबर एक, सरस्वती सिंधु सभ्यता के से। तो उसका प्रश्न आता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार और कालक्रम के बारे में विचार करें। तो उत्तर में, तो पहला पॉइंट है विस्तार। सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक था। इस सभ्यता क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। भारत में पंजाब में हड़प्पा, हरियाणा में राखीगढ़ी बनावली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान में बलूचिस्तान आदि प्रांतों में इसके पुरास्थल मिले हैं। मतलब वहाँ पर हमें खुदाई करने पर इस सभ्यता के जो है स्थान मिले हैं। दूसरा आता है कालक्रम। इसके अनुसार सरस्वती सिंधु सभ्यता को तीन चरणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से तीन चरण हैं? नंबर एक, प्रथम चरण, जिसमें हम कृषि और ग्रामीण संस्कृति को लेते हैं। कृषि संस्कृति के लोगों ने 7,500 से 7,000 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी घाटी को अपना निवास स्थान बनाना आरंभ कर दिया था। 3200 ईस्वी पूर्व नगर योजना के लक्षण व लेखन, मोहरे व नापतोल के साथ ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। दूसरा है द्वितीय चरण, नगरीय काल, 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन का उदय हुआ। तीसरा, तृतीय चरण, उत्तरकाल, 1900 ईस्वी पूर्व तक इस नगरीय सभ्यता का परिवर्तन ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। 1300 ईस्वी पूर्व तक इस नगरीय सभ्यता को का पतन हो गया। दूसरा प्रश्न आता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में चर्चा करें। तो कौन कौन से कारण थे? नंबर एक, प्रशासनिक स्थिरता। अंतिम चरण आते आते सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन में स्थिरता आ गई थी। बस्ती का आकार सीमित हो गया, स्वच्छता में कमी आ गई थी, मकानों में पुराने ईंटों का प्रयोग व दीवारें कम चौड़ी बनने लगी थी, जिससे धीरे धीरे यह नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। दूसरा पॉइंट, बाढ़। मोहनजोदड़ो, लोथल आदि स्थानों से प्रमाण मिले हैं कि इस सभ्यता के पतन में बाढ़ ने भी अहम भूमिका अदा की है, निभाई है। जलवायु परिवर्तन तीसरा पॉइंट। इस सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भी रहा होगा। वर्षा कम होने व सरस्वती नदी सूखने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों से पता चलता है कि इन लोगों की मौत मलेरिया जैसी महामारी के कारण से हुई। अतः महामारी के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। पांचवा, विदेशी व्यापार में गतिरोध। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विदेशी व्यापार में कमी आई, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने से जीवन स्तर में गिरावट आई और इस सभ्यता के पतन का कारण बनी।
प्रश्न आता है सातवां, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या देन है? तो उत्तर में हम देखते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को कौन कौन सी देन है। तो पहला है कांस्य धातु। इस सभ्यता ने सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग किया, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा है नगरीय सभ्यता। पहली बार नगरों के उदय के कारण इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता का नाम भी दिया गया। यहाँ की नगर योजना अत्यंत नियोजित थी। तीसरा है स्वच्छता। नालियों की पक्की ईंटों से ढका होना इस बात को दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे। चौथा आता है योग। मोहनजोदड़ो से मिली मोहर पर पुरुष की पद्मासन में बैठे आकृति से ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग योग से भी परिचित थे, आसन करते थे, योग करते थे। पांचवा पूजा। इस सभ्यता के लोग शिव एवं वृक्षों की पूजा किया करते थे। छठा पॉइंट आता है कृषि। उस समय की मिली दराती, हल और का नमूना व खेत आदि से पता चलता है कि उस समय कृषि उन्नत थी। अनाज को अन्नागार मतलब स्टोरों में रखा जाता था। सातवां शिल्पकला। मोहरे, मनके और पत्थर की मूर्तियां यहाँ की शिल्पकला से परिचय कराती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो हमने इस वीडियो में पढ़े कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार और कालक्रम के बारे में हमने जानकारी दी, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे उसके बारे में जानकारी दी, और तीसरा सरस्वती सिंधु सभ्यता की विश्व को क्या देन है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे जो चैनल है जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।